अमेरिकी अधिकारियों ने भारत सरकार के कथित पूर्व अधिकारी विकास यादव पर खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश में कथित भूमिका का आरोप लगाया है। आरोप है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजकीय यात्रा के दौरान अमेरिकी धरती पर पन्नू की हत्या की नाकाम साजिश रची गई थी। तो आज एक्सप्लेन बाय एबीपी लाइव में चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट ने गुरुवार यानी 17 अक्टूबर को 40 साल के विकास यादव के खिलाफ आपराधिक आरोपों की घोषणा की है। विकास यादव केंद्र सचिवालय में कार्यरत थे और यही भारतीय खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रॉ का मुख्यालय है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस मामले के संबंध में अमेरिकी न्याय विभाग के अभियोग में पहचाने गए व्यक्ति के बारे में पूछे सवाल पर जवाब देते हुए पुष्टि की कि यह व्यक्ति अब भारत सरकार का कर्मचारी नहीं है। FBI ने भी विकास यादव को अपने वंचित भगोड़ों की सूची में डाल दिया है। अब जानते हैं कि आखिर कौन है विकास यादव और उनके खिलाफ आरोप क्या है। सबसे पहले तो विकास यादव पर खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की नाकाम साजिश के संबंध में भाड़े पर हत्या और धन शोधन के आरोप लगाए गए हैं। फिर अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट के मुताबिक वो अभी भी फरार चल रहे हैं। पहले अभियोग में विकास यादव की पहचान केवल CC1 के रूप में की गई थी। FBI निर्देशक क्रिस्टोफर रे ने कहा है कि आरोपी एक भारतीय सरकारी कर्मचारी है। उसने कथित तौर पर एक आपराधिक सहयोगी के साथ मिलकर साजिश रची है। पहले संशोधन अधिकारों का प्रयोग करने पर अमेरिकी धरती पर एक अमेरिकी नागरिक की हत्या का प्रयास किया है। उसके बाद जिस आपराधिक सहयोगी का उल्लेख किया गया है वो निखिल गुप्ता नाम का शख्स है, जिसे चेक गणराज्य में गिरफ्तार किया गया था और गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की कथित साजिश के मुकदमे चलाने के लिए अमेरिकी प्रत्यार्पित किया गया था। निखिल को पिछले साल गिरफ्तार किया गया था और वो अभी जेल में बंद है। उसके बाद अमेरिकी अटॉर्नी जनरल मैरिक बी गारलैंड ने कहा है कि आज के आरोप दर्शाते हैं कि न्याय विभाग अमेरिकियों को निशाना बनाने और उन्हें खतरे में डालने तथा प्रत्येक अमेरिकी नागरिक के अधिकारों को कमजोर करने के प्रयासों को बर्दाश्त नहीं करेगा। FBI ने विकास यादव की 3 तस्वीरों के साथ एक वॉन्टेड पोस्टर भी जारी किया है। FBI के मुताबिक उनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट 10 अक्टूबर को जारी किया गया था। अभियोग के अनुसार विकास यादव को विकास और अमानत के नाम से भी जाना जाता है। इस मामले के संबंध में आरोपित होने वाला दूसरा व्यक्ति है। अभियोग के मुताबिक विकास ने अपने स्थिति को वरिष्ठ फील्ड अधिकारी के रूप में मेंशन किया है, जिसकी जिम्मेदारी सुरक्षा प्रबंधन और खुफिया है। उन्होंने पहले भारत से केंद्र रिजर्व पुलिस बल में भी काम किया है और युद्ध शिल्प और हथियारों के अधिकार प्रशिक्षण प्राप्त किया है और वो भारतीय नागरिक और निवासी हैं और भारत से पीड़ित की हत्या की साजिश रची है। हालांकि विकास यादव एक तस्वीर में सेना की वर्दी में भी दिख रहा है, लेकिन उस पर कोई रैंक अलॉटमेंट नहीं किया गया है। अमेरिकी अभियोग ने कहा है कि वो मूल रूप से CRPF में थे और एक सहायक कमांडेंट थे। 18 पन्नों के अभियोग में न्यूयॉर्क में एक कार में दो व्यक्तियों की ओर से डॉलर का आदान प्रदान करने की तस्वीर भी सामने आई है, जिसके बारे में संगीन अभियोजकों ने कहा है कि यह पैसा निखिल गुप्ता और विकास यादव की ओर से एक व्यक्ति ने न्यूयॉर्क में सिख अलगावादी नेता की हत्या के लिए कथित हत्यारे को दिया था। अभियोग में आरोप लगाया गया है कि विकास यादव ने अपने साथी निखिल गुप्ता के साथ मिलकर 2023 की गर्मियों में सिख अलगावादी नेता की हत्या की साजिश रची थी। निखिल गुप्ता ने हत्या का काम करने के लिए एक शख्स को काम पर रखा था। अज्ञात व्यक्ति जो FBI का मुखबिर था उसने इस काम के लिए $1,00,000 मांगे थे और 9 जून 2023 को एडवांस पेमेंट के रूप में $15,000 लिए भी थे। वहीं भारत सरकार ने अमेरिकी धरती पर किसी अमेरिकी नागरिक की हत्या की ऐसी किसी साजिश में अपनी संलिप्तता से इनकार कर दिया है। अमेरिका ने आरोपों के बाद नई दिल्ली में मामले की जांच के लिए एक जांच समिति भी गठित की गई है। अमेरिका ने इस मामले में भारत से मिले सहयोग पर संतोष जताया है। वहीं ऐसे तमाम बड़े खबरों से अपडेट रहने के लिए आपको एबीपी लाइव को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह आनंद। फॉर एक्सक्लूसिव एंड इनसाइटफुल वीडियोस सब्सक्राइब टू आवर न्यू चैनल एबीपी लाइव प्रीमियम।